पेट में गैस का कारण और एंजाइटी, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। काफ़ी लोग परेशान रहते हैं कि भाई पेट में बहुत गैस होता है, वो गैस कभी किसके साथ में बैठे हैं और वो गैस छूट जाता है तो वो उनको अकवर भी लगता है। गैस से उनका बहुत पेट फूला फूला सा लगता है, एसिडिटी हो जाती है, पचन नहीं होता और उनको अच्छा लगता नहीं, फिर काम में दिल नहीं हो लगता और पूरा दिन अनप्रोडक्टिव जाता है ना, उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। पेट ठीक है तो सब कुछ ठीक है। एक बार वो सवेरे वो जाके पेट हल्का कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं, उनको बहुत हल्का लगता है। तो पेट में गैस का होना, एसिडिटी होना, ढका रहना या पेट फूला सा लगना, डिस्कम्फर्ट लगना पेट में, ये कुछ लोगों को होते रहता है। उसका कारण है, एक तो बहुत ज़्यादा खाने से होता है, पर जो लोग बहुत खाते हैं खाना उनको ज़्यादा होता है। जो लोग बहुत टफ डाइट खाते हैं, कड़क, मतलब जो पचने को जिसको ताकत लगती है वो डाइट, जैसे ज़्यादा हाई प्रोटीन है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन, या फिर मटन चिकन ये है, या पनीर है, ऐसे मतलब हेवी जो डाइट्स है, या जंक फूड्स है, या जंक फूड्स है, जंक फूड से भी ऐसा होता है, तो वो ऐसे खाना खाते हैं तो उससे भी बहुत एसिडिटी होती है। तीखा खाना, चटपटा खाना, बहुत मसालेदार पदार्थ खाना, उससे भी बहुत एसिडिटी और गैसियस डिस्टेंशन होते रहता है। अभी आप कोई आदत यदि होंगी, तंबाकू सिगरेट की आदत है, बीड़ी की आदत है, या आप शराब पीते हैं, तो उससे भी बहुत एसिडिटी और गैसियस डिस्टेंशन होता है। अब इसके अलावा ये सब समझो लोगों को ये प्रॉब्लम होता है तो लोग जाते हैं पेट के विकार के डॉक्टर के पास में, अपनी पूरी जांच कर लेते हैं, ब्लड टेस्ट कर लेते हैं, सोनोग्राफी करते हैं, गैस्ट्रोस्कोपी कर लेते हैं, पूरा पूरा सब करने के बावजूद भी यदि सब इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल है तभी भी तकलीफ है, तो फिर हो सकता है कि ये एंग्जाइटी की वजह से, एंग्जाइटी मतलब चिंता, घबराहट, बेचैनी, इसकी वजह से हो सकता है। क्या होता है कि कुछ लोग बहुत निगेटिव सोचने वाले होते रहते हैं, वो बहुत कोई भी बात के ऊपर निगेटिव सोचना, और वो निगेटिव सोचने वाले क्यों होते हैं, उनका बचपन से ही ऐसा एक निगेटिव पैटर्न तैयार हो जाता है। वातावरण में कुछ हो जाता, कुछ भी हो गया तो उसका वो निगेटिव अर्थ हरदम लगा देंगे, छोटी छोटी बात के ऊपर चिंता करेंगे, गाड़ी लेट क्यों हो गई, बच्चा घर में आएगा कि नहीं आएगा, खाना मैं टाइम पे पका सकूंगी नहीं सकूंगी, क्या मुझे मेरा बॉस चिल्लाएगा, क्या मैं ऑफिस टाइम पे पहुंच जा सकूंगा, क्या मेरी गाड़ी खराब हो जाएगी, मतलब छोटी छोटी बात जो नॉर्मल चल रहा है उसके बारे में उनकी एंग्जाइटी रहती है। तो इतनी सारी एंग्जाइटी है तो एंग्जाइटी क्या करती है, निगेटिव विचार क्या करते हैं, निगेटिव विचार हमारे जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसके ऊपर प्रभाव डालते हैं। उसमें होता क्या है कि सिंपथेटिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी कम हो जाती है, और यदि सिंपथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा हो गई तो इधर एसिडिटी, पेट का फूलना, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, डिस्कम्फर्ट, और उसे तकलीफ हो जाती है। तो फिर अब इसके लिए करना क्या है, यदि आपके सभी ट्रीटमेंट नॉर्मल है, यदि आपके सभी इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल है, आपको ये लेना चाहिए इलाज, एंटी एंग्जाइटी ड्रग का, एंग्जाइटी कम करने वाली दवाइयाँ, मगर दवाई कितने लेंगे आप, कितने दिन लेंगे, क्योंकि उसकी आदत लग जाएगी। तो फिर उसका इलाज है सम्मोहन उपचार, हिप्नोटिज्म, कि जिससे आपको आपकी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन, सबकॉन्शियस माइंड, वो पूरा आपको रिलैक्स करना है, और वो सीखना पड़ेगा कि कोई भी टेंशन हो जाए अपना ब्रेन रिलैक्स है, तो वो आपको सीखना पड़ेगा। और दूसरा है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, दोनों भी आप करते हैं या दोनों अलग अलग करते हैं तभी 4 से 6 महीने का टाइम लगेगा, जिससे आपके पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर सकेंगे, रिलैक्स कर सकेंगे, और यदि रिलैक्स होती है तो पेट का फूलना ही बंद हो जाएगा, नेचुरली आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको कोई दवा लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं। और जिनको भी प्रॉब्लम है कि पेट का फूलना, ज़्यादा बार लेटरिन जाना पड़ता है, कभी किसको कॉन्स्टिपेशन, दो दो तीन तीन दिन लेटरिन लगती नहीं है, अच्छा लेटरिन हो गई तो ऐसा साफ हुआ ऐसा उनको एहसास नहीं लगता, फिर खाना ऊपर ऊपर आता है, एसिडिटी होती है, ढकार है, हिकअप्स आते हैं, मतलब है ना, हिचकी आ जाती है, और पेट दर्द करना, पेट फूला सा रहना, ऐसे सभी जो तकलीफ है उसका कारण जो है वो कारण स्टिम्युलेशन ऑफ सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम ड्यू टू निगेटिव न्यूरोनल पैटर्न्स, नकारात्मक ब्रेन के पैटर्न तैयार हो जाते हैं, और उनको वो बचपन से आदत ही हो जाती है कि कोई भी चीज़ नकारात्मक लेना, और वो यदि एंग्जाइटी में कन्वर्ट हो जाती है, चिंता, उससे फिर ये सब तकलीफें चालू होती है। तो इसका इलाज करवाइएगा, शॉर्ट टर्म के लिए आप दवाई ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए
दो चार महीने रुकना है, बिना दवाई का इलाज करना है, तो जरूर संभोग उपचार और CBT पक्का आपको ठीक करवा के देगा। थैंक यू वेरी मच।